आईपीएल की नई नवेली टीम गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहले ही मुकाबले में तूफानी गेंदबाजी करके लखनऊ सुपर जायंट्स की खटिया खड़ी कर दी है। सोमवार को आईपीएल के चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सबसे अनुभवी गेंदबाज ने अपने स्पेल में लखनऊ के टॉप ऑर्डर को चारों खाने चित करते हुए बड़ा इतिहास रच दिया है और अपने नाम आईपीएल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं मोहम्मद शमी के नाम आईपीएल में हुआ कौन सा बड़ा रिकॉर्ड और कैसे शमी के सामने सुपर जायंट्स की टीम ने टेके घुटने। मोहम्मद शमी दाएं हाथ के दिग्गज तेज गेंदबाज ने वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक लखनऊ के बल्लेबाजों के नाक में दम करके रख दिया। मैच में टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस की टीम ने लखनऊ को बल्लेबाजी का न्योता दिया था, पर उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी शुरुआत इतनी दमदार होगी। पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी की एक जबरदस्त आउटस्विंग गेंद ने लखनऊ के कप्तान राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखाया और इससे पहले लखनऊ पहले झटके से संभल पाती शमी ने दूसरे ओपनर क्विंटन डिकॉक को भी एक अंदर आती गेंद से क्लीन बोल्ड कर लखनऊ के दो बड़े बल्लेबाजों को सस्ते में ही ड्रेसिंग रूम की राह दिखा दी। शमी का कहर यही नहीं थमा, इस बार बारी मनीष पांडे की थी और शमी ने एक अंदर आती गेंद से पांडे के स्टंप्स बिखेर दिए और पावर प्ले में ही लखनऊ की टीम मुकाबले में बिल्कुल ही बैकफुट पर दिखाई देने लगी। भारत के स्टार गेंदबाज ने शुरू के 6 ओवर में 3 ओवर की गेंदबाजी की और सिर्फ 10 रन देकर 3 सफलताएं हासिल की और ऐसा करते ही उन्होंने आईपीएल करियर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया है। आपको बता दें, शमी का ये स्पेल आईपीएल क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे बेहतरीन स्पेल साबित हुआ है। आईपीएल 2022 के पहले ही मुकाबले में शमी ने अपनी छाप छोड़ते हुए गुजरात के सभी फैंस के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। तो दोस्तों, आप मोहम्मद शमी के इस प्रदर्शन को कैसे रेट करेंगे? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।